हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान रचयिता भारत रत्न उनके संविधान को सम्मान करते हुए आप तमाम लोगों का फेसबुक लाइव में विशाल भगत स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को चरण स्पर्श। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। और इस प्रकार से आप तमाम मां बहनों का भी दुर्गा पूजा के उपलक्ष में मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सबके घर में सुख समृद्धि आए और घर में खुशहाली आए। आज कोरोना काल का COVID-19 के पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कंफर्म केस 55,839 आया है, रिकवर हुआ है 79,415 और टोटल डेथ 702। महाराष्ट्र में 8,142 रिकवर हुआ है, 23,371 और टोटल डेथ 180। सबसे पहले 7,002 लोग जो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते आज ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वो सहन कर सके। और जितने भी लोग कोरोना से ग्रसित हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपना विश्व गुरु बनाने में भारत को आके वापस योगदान करें। मित्रों, आज बिहार में इलेक्शन जोरों से है और टीवी के माध्यम से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आज विपक्ष भी धुआंधार रैली कर रहा है और बार बार युवा को भ्रमित करने का काम कर रहा है। मित्रों, एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारे युवा मित्र हैं उनको शायद ये पता नहीं होगा कि आज बिहार का जो स्थिति है वो 15 साल पहले कैसा था। आज के नौजवान को यह मालूम नहीं होगा कि बिहार में किस प्रकार से अपहरण का उद्योग चलता था। आज के नौजवान बहकावे में आ जाते हैं और जोश में होश खो बैठते हैं। मित्रों, आज जिस प्रकार से युवाओं की संख्या में देख रहा हूं, राजद की रैली में जिस प्रकार से युवाओं की संख्या बढ़ रही है, मैं ये विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे जो मुख्य लोग जो हैं, युवा लोग जो हैं, उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किया गया है और आज
बिहार का संकल्प पत्र भी निकल चुका है, मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का 11 संकल्प बिहार के लिए क्या है। मित्रों आज बात करें 11 विजन फॉर बिहार, बिहार के नेक्सल जेनरेशन आईटीडी हब बनाना है, उद्योग आधार सबल समाज आत्मनिर्भर बिहार, गांव शहर सबका विकास आत्मनिर्भर बिहार, बिहार में एनडीए सरकार का दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव तथा कॉम्फेड का प्रोत्साहित करेगी। नई शिक्षा की नीति में मोदी जी ने जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है वो लोग भी हिंदी के माध्यम से अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और आगे शिक्षा भी आप हिंदी में कर सकते हैं और हिंदी से आप किसी प्रकार का भी कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। किसी प्रकार की तकनीकी में हिंदी का भरपूर प्रयोग होगा। स्वास्थ्य समाज आत्मनिर्भर बिहार, मित्रों एक लक्ष्य 5 सूत्र, एक लक्ष्य 11 संकल्प, समृद्ध होगा किसान, बढ़ाएगा बिहार का मान, किसान के बिचौलियों को मिली मुक्ति, बाजार समिति का व्यवस्था एनडीए सरकार पहले ही कर दिया था। खत्म। कोरोना में कोरोना का टीका आते ही एनडीए सरकार कराएगी हर बिहारियों को निशुल्क टीकाकरण। भाजपा का भरोसा, भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएंगे। सशक्त कृषि, समृद्ध किसान, आत्मनिर्भर बिहार। एनडीए सरकार बिहार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 30 लाख गरीब परिवारों को 2022 तक पक्का मकान देगी, इसकी भी चर्चा की गई है। मित्रों आज जीडीपी के बारे में बात होता है और बताया जाता है कि क्या था और क्या है। बजट की आकार की बात करें, जीडीपी की बात करें, कृषि विकास दर की बात करें, तो मैं आपको तुलना करके बताना चाहता हूं 1990 और 2005 में बजट का आकार 23,855 करोड़ था और आज मित्रों 2,11,761 करोड़ रुपया आज बजट का आकार है। जीडीपी की बात करें तो 3.19% 1990 से 2005 का यह जीडीपी ग्रोथ बिहार का था और आज 11.3% आज बिहार का जीडीपी है। मित्रों कृषि विकास दर 2.35 था और आज के 8.50% है। मित्रों प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपया 1990 से 2005 में था और आज 2005 से 2020 के बीच में आज का दर जो है 43,822 रुपया है। मित्रों पक्की सड़कें 34% ही बना था, आज 96% बन चुका है। मित्रों बिजली की उपलब्धता उस समय सिर्फ 22% था, आज 100% गांव गांव तक बिजली पहुंच चुका है। मित्रों गैर योजना व्यय 78%, जिसका कोई भी माई बाप नहीं था
और उस योजना के तहत काम होता था, आज वो योजना को घटा दिया गया है, आज 50% कर दिया गया है और आने दिन में उसको नील कर दिया जाएगा। मित्रों, आज गैर कृषि विकास दर 1990 से 2005 में 3.9% था, आज 12% 12.2% आज है। मित्रों, पूंजीगत व्यय 3,340 करोड़ था, आज 21,058 करोड़ है। मित्रों, राजकोषीय घाटा पहले 2019 से 2005 में 6.2 था, मतलब इतना ज्यादा घाटा होता था, लेकिन बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार में 2.7% कम घाटा होने लगा है। मित्रों, औद्योगिक विकास का दर कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी एनडीए की सरकार में 17% विकास दर हो गया है। मित्रों, आज एनडीए सरकार बिहार में 10,000 चिकित्सक और 50,000 पैरामेडिक कर्मियों को सहित 1,00,000 लोगों का स्वास्थ्य विभाग में देगी रोजगार। मित्रों, मैं संकल्प के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। मित्रों, पहला संकल्प जो है बिहारियों के लिए, बिहार के लिए, बिहारी फर्स्ट, कोरोना के खिलाफ लड़ाई बिहार एनडीए सरकार देश के सामने मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा स्वीकृति प्राप्त उपलब्ध होगा, हर बिहारी वासी को निशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ा बात है। मित्रों, राष्ट्र शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को महत्व दिया है और इस कड़ी में बिहार में हम मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, एनडीए सरकार बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों को नियुक्ति की है, इसको आगे बढ़ाते हुए आने वाले 1 वर्ष में राज्य में सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। मित्रों, भारत में इस वक्त आईटी कारोबार में 177 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इस अवसर का लाभ उठाएं। हम बिहारी को नेक्स्ट जेनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करेंगे, अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, एनडीए सरकार बिहार में 10 लाख समूह के माध्यम से 1.20 करोड़ महिलाओं को जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता के समूह तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से 50,000 करोड़ माइक्रो फाइनेंस के 1 करोड़ नई महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। मित्रों, हमारा संकल्प है कि 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों के सहित राज्य में कुल 1,00,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी का अवसर मिलेगा। मित्रों, प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा दरभंगा बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, किसानों की बिचौलिया को मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था को हमारी सरकार ने पहले ही खत्म किया है। सशक्त कृषि, समृद्ध किसान के हमारी सरकार पहले ही खत्म किया है सशक्त कृषि समृद्ध किसान के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हम संकल्प लेते हैं कि धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद MSP के निर्धारित दरों पर करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पर चलते हुए बिहार में एनडीए की सरकार गत 6 वर्षों में
28,33,090 आवास बनाए हैं। हम इस प्रतिशत को हम संकल्प लेते हैं कि बिहार ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में 30,00,000 लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। दूध उत्पादन को लेकर कोऑपरेटिव कॉल्फेड प्रोत्साहित करेगा तथा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान करें। 2 वर्षों में निजी तथा कॉन्फेड आधारित पे नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़ा किया जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मत्स्य संपदा योजना से आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। मित्रों, बिहार में 1,000 नए किसान उत्पादक संघों FPO के आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे पक्का फल, जसीडी चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेहता औषधि पौधा की सप्लाई चैन विकसित करेगी। इसमें प्रदेश में 10,00,000 रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। मित्रों, जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि भाजपा है तो भरोसा है और NDA को जिताएंगे बिहार में। मित्रों, शिक्षित की बात करें तो आज शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। हमारे पुरखों ने अपने ज्ञान तथा तप से बिहार के बेहतरीन शिक्षा संस्थान के रूप स्थापित किया है, जहां सभी शिक्षित करने पर जोर रहा है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण के भाषा की अहम भूमिका रही इस अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रमुखता से अकेला, इसलिए मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीक शिक्षा में हिंदी भाषा का उपयुक्त होगा। मित्रों, आओ खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। प्रोत्साहन के लिए 9वीं कक्षा से ऊपर कक्षाओं को नामांकन मेधावी छात्र में निःशुल्क छात्रवृत्ति को निःशुल्क टैब भी दिया जाएगा। मित्रों, बिहार के नाम देश विदेश में रोशन किया है। हम MNC संस्थाओं के मानकों को अनुरूप पटना तथा राजगीर में भी विस्तृत करेंगे। मित्रों, IT पार्क, IT टावर, सॉफ्टवेयर पार्क, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित करेंगे तथा इस विकास के लिए स्पष्ट नीतियां तक सकारात्मक माहौल तथा IT के क्षेत्र के व्यापक भविष्य तथा युवाओं के रुझाने के देखते हुए इस क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण का कार्य शुरू करेंगे और डिजिटल बिहार के कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 तथा इसके ऊपर के सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा तथा प्रशिक्षण का पे जोर दिया जाएगा। मित्रों, बिहार के छात्र सभी प्रकार के प्रतियोगिता में परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और सफल होकर हर राज्य का नाम, बिहार राज्य का नाम रोशन करते हैं। हम उनके लिए राज्य में राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थानों का निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता प्रदान करेंगे तथा विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करेंगे। युवा विकास के खेल एवं महत्वपूर्ण आयाम रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ किया। बिहार के युवाओं के लिए हम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे तथा हर जिले में अनुमंडल में 1 स्तर स्टेडियम का निर्माण करेंगे, जिनमें विधायक विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खेलकूद का प्रतियोगिता का आयोजित होगा। मित्रों, जितना मैं बता रहा हूं उतना अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रकार से उनका आदत है, जो बोलते हैं वो करते हैं, और आप खुद सोच लीजिए कि इतना चीज अगर बिहार में होने वाला है तो रोजगार की कमी कहां रहेगी। मित्रों, एक स्टेडियम बनता है तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है ये बताने की मुझे दरकार नहीं है। हर चीज में, हर विभाग में दूध उत्पादन का प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो उसमें कितना रोजगार उत्पन्न होगा, फूड पार्क बनेगा तो उसमें कितना रोजगार उत्पन्न होगा, IT पार्क बनेगा उसमें कितना रोजगार उत्पन्न होगा। हमें तो सिर्फ अपने बच्चों को स्किल्ड करना है, पढ़ा के मजबूती के साथ खड़ा करना है कि वो समय आ गया है बिहार में कि आपको हर युवाओं को नौकरी हाथ में होगा, हर युवाओं के हाथ में लैपटॉप होगा। मित्रों,
आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी बिहार में काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज पूरे हिंदुस्तान में आज बिहारी आईएएस आईपीएस आईआरएस डॉक्टर और जिस प्रकार नाम उन्होंने कमाया है, आने वाले दिन में हमारे युवा वर्ग के लोग भी इसी प्रकार आगे काम भी करेंगे। मित्रों आज ये मैं बताना चाहता हूं कि प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब एक प्लांट होता है मित्रों। अब जब प्लांट लगाया जाता है तो कितने रोजगार उसमें उत्पन्न होंगे आप खुद सोच सकते हो, कितने जनरेट होंगे वहां पर, वर्कर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको आप देख सकते हैं। एक सड़क निर्माण होता है मित्रों तो उसमें कितने इंजीनियर लगते हैं, कितने सुपरवाइजर लगते हैं। जितना भी ब्रिज बनता है मित्रों, उस ब्रिज में लोकल फॉर वोकल को काम देने के लिए आप प्रयासरत रहें और अपने लोगों से बात करें, वहां पर भी आप काम सीखिए कि किस प्रकार से ब्रिज में लोहे का काम किया जाता है, किस प्रकार से जब रोड बनता है तो बिटवीन का काम किया जाता है। अगर आईटी हब बनता है तो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो एमबीए के हुए लड़के लोग हैं, वो लोग वहां पर बहुत सा चीज सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वहां कॉल सेंटर डेवलप कर सकते हैं। मित्रों इतना काम है कि काम रोजगार आपको इतना रोजगार मिलेगा उसका आप भरोसा आपको सोच के आप नहीं सकते, इतना रोजगार आने वाला है आने वाले दिन में अगर एनडीए की सरकार आती है तो, वापिस अगर एनडीए की सरकार आती है तो। मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं जिस प्रकार से युवा को भ्रमित करने के लिए आज तेजस्वी बोलते हैं कि रोजगार कहां दिया और बार बार दोहराते हैं कि कोरोना काल में अप्रवासी मजदूर के साथ में क्या किए और 5 साल में इन्होंने क्या किया, तो मैं ये बताना चाहता हूं मित्रों कि इन लोगों ने जो गड्ढा भरा था उसको गड्ढा को भरने में भी तो समय लगता है मित्रों। आज वो अपने पिताजी के और माताजी का फोटो अपने पोस्टर से क्यों हटा दिए, उनको शर्म आता है कि उनके माता पिता का जो करनी है उनके बेटा को नहीं भोगना पड़े, इसीलिए आज वो अपने माता पिता का फोटो हटा दिए हैं मित्रों। हकीकत मैं बताता हूं ना किस प्रकार से अपहरण होता था, किस प्रकार से उन लोग के परिवार में मुड़ी कटवा लोग रहते थे, कम्युनिस्ट विचार के लोग रहते थे और किस प्रकार से नरसंहार किया जाता था, ये मैंने अपने आंख से सुना है, आंख से देखा है और कान से सुना है। मैं ये जो बता रहा हूं मैं देखा हूं अपने आंख से, वो चीज बता रहा हूं। और किस प्रकार से लालू यादव का भतीजा बीरेंद्र यादव पटना शहर में आतंक मचा कर रख दिया था मित्रों, ये कोई भी बात छुपा नहीं है मित्रों। आज ये अपने आप को बहुत साफ सुथरा दिखाने के लिए निकले हैं, आप इनके झांसा में बिल्कुल ना पड़े मित्रों, क्योंकि ये इनको थोड़ा सा भी लग, आपने देखा होगा कि एक सभा में एक कार्यकर्ता अगर माला पहनाने के लिए उनके पास पहुंचता है तो उसको दुत्कार के भी हटा दिया जाता है मित्रों। मैं ये बात आपको बार बार बता देना चाहता हूं कि आप इस चीज को ध्यान दीजिए और इस चीज पे आप फोकस कर लीजिए कि युवाओं को भ्रमित करने का यह काम कर रहे हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं और हमारे पदाधिकारी लोग ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, मैं हैदर आजम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं डीएन ठाकुर जी से आग्रह करता हूं, मैं फूल सिंह से आग्रह करता हूं, मनोज झा से आग्रह करता हूं, निशांत वर्मा से आग्रह करता हूं, दीपक झा से आग्रह करता हूं, राजेश श्रीवास्तव से आग्रह करता हूं और मैं तमाम कार्यकर्ता मंडल समाज के प्रमोद मंडल सिकंदर साहू ये लोग सब बिहार पहुंच चुके हैं, मैं उन लोग से आग्रह करता हूं कि युवाओं को समझाएं क्योंकि ये लोग झांसा दे रहे हैं और ये झांसा में युवा लोग कम से कम नहीं आए। नहीं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि अगर गलती से भी अगर तेजस्वी की सरकार अगर वापिस आती है और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री अगर बनता है तो वहां पर नशेड़ी गजेड़ी गर्दुला आप अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे मित्रों। और आप ये बार बार ये क्यों भूल जाते हैं
जिसने राम मंदिर का रथ रोका था उसके पिताजी, आज वो वोट मांगने निकला है। शर्म आना चाहिए। माता रानी के बारे में बात करता है कि मैं संकल्प लेके माता रानी के आशीर्वाद से मैं बाहर निकला हूं प्रचार करने के लिए। अरे तुम क्या देवी देवता को पूजोगे? तुम्हारे बाप ने बताया है कि किस प्रकार से उनका समाज किसको पूजता है। मित्रों, आज मैं आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करने जा रहा हूं। 28 तारीख को पहला चरण का वोट है और मैं ज्यादा से ज्यादा मैं अपने युवाओं भाइयों को बताना चाहता हूं और उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि मित्रों, टावर का प्रॉब्लम है। मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप लोग से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 28 तारीख को आप लोग वोट दें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को जिताएं। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं अटल जी के कविता को सुनाना चाहता हूं और अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज अटल बिहारी वाजपेयी मैं अटल जी का कविता सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरी भरी धूप पर ओस की बूंदे अभी भी कभी नहीं, ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे कभी नहीं थी और कहीं नहीं है। क्या करकी कोस से फूटा बाल सुर, जब पूरब के गोद में पांव फैलाने लगा तो मेरे बगीचा का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते पांव फैलाने लगा तो मेरा बगीचा में पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके तप माव बनी ओस बूंद को ढूंढूं। सूर्य का सत्य जिसने जुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी एक सच्चाई है। ये बात अलग है, ओस क्षणिक है, क्यों क्षण में क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरू सौंदर्य के पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर खिलेगा, लेकिन मेरे बगीचा का हरी भरी धूप पर ओस के बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगा, हर मौसम में नहीं मिलेगा। मैं अपने वाणी को यह विराम देता हूं। मित्रों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।